खबर सुनसी में विशाल पटेल के साथ आपका स्वागत है। ले चलते हैं आज आपको ताजा तरीन खबरों की ओर। रोजाना की तरह बड़ी खबरें देखते हैं उत्तर प्रदेश की। अपनी मांगों को लेकर आशा बहुओं ने किया धरना प्रदर्शन। आशा संगनी वेलफेयर एसोसिएशन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शाखा गाजीपुर की ओर से अपनी मांगों को लेकर कार बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन जिला महिला चिकित्सालय परिसर में किया गया। इस अवसर पर आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि हमारी 13 सूत्री मांगे जब तक नहीं सुनी जाएगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जुलाई 17 में 14 सूत्री मांग पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर को सौंपा गया था, जिस पर उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि मांग पर एक माह में निर्णय लेकर पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम लालसा गुप्ता है और मैं आशा हूँ सुधाकरपुर पीएससी से। और हम लोग जो यहाँ धरना दे रहे हैं, इतनी आशाएं हम लोगों की है, तो हम लोगों से जो कुछ अभियान इस समय चला है 14 दिन का है, तो उसमें हम लोगों से ड्यूटी कराया जाएगा। उसमें भी हम लोगों से मतलब कह रहे हैं लोग कि अपने पति कुष्ठ रोगी अभियान कुष्ठ रोगी अभियान जो, और उसमें भी मान लीजिए आज तक तो हमसे अब काम करा रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि आपके बच्चे और हस्बैंड भी काम करेंगे। हाँ, तो इसके लिए हम लोगों के मतलब कोई तैयार नहीं है करने के लिए, जो हम लोग मतलब वो भी 75 रुपये में काम हम लोग करेंगे भी नहीं जब तक हम लोगों का कुछ बढ़ेगा या मानदेय बढ़े इसमें, और मतलब जो भी है आया वो खोज के अपना दें जो भी है। मगर ये मांग आपकी पूरी नहीं तो किस स्तर तक जा सकती है? जितना भी होगा हम लोग संघर्ष करते रहेंगे जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। मीडिया के माध्यम से आप क्या कहना चाहती हैं? अब वही हम लोग मीडिया के माध्यम से आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक कि हम लोगों की जो भी मांगे हैं आज, मतलब जो मजदूर भी है मजदूरी कर रहे हैं उनको भी 350 रुपया है। हम लोग कोई मतलब टाइम का वो नहीं है कि कब तक हम लोग कम काम शुरू हो जाए, रात को 1 बजे 2 बजे 12 बजे या दिन भर बिना खाए पिए हम लोग हॉस्पिटल में रह जाते हैं, 2-2 दिन तक हॉस्पिटल में रह जाते हैं। और एक पैसा न मिलना न जुलना। थैंक यू।